जी बरखा की कहानी ऐसी है कि जिसमें मेरे जो किरदार है वो कहानी में एक ट्विस्ट लेके आता है, और शादाब ने जो हमारे डायरेक्टर हैं शादाब मिर्जा, उन्होंने इसी तरह से ये किरदार सोचा था कि एक म्यूज़िकल रोमांटिक लव स्टोरी के अंदर एक इस तरह का एक थ्रिलिंग ट्विस्ट है जो पूरी कहानी को बदल देता है, मोड़ देता है, एक दूसरा रुख देता है, और इसीलिए देखते हैं दर्शक क्या कहते हैं। बहुत अच्छा रहा, मतलब मेरा उनके साथ पहली बार मतलब पहला मौका था उनके साथ काम करने का, और मुझे बहुत मज़ा आया काम करके। शादाब और बाकी की पूरी टीम शादाब की, मतलब दे वर रियली फ्रेंडली टू वर्क विद एंड रियली नाइस, एंड दे गॉट डन व्हाट नीडेड टू बी डन इन अ वेरी शॉर्ट इन अ गुड स्पैन ऑफ टाइम। आई डोंट नो यार, कम बैक या नो कम बैक, मुझे काम पर भरोसा है, और मुझे लगता है कि जब जैसा होना होता है वैसा ही होता है, और अपनी तरफ से काम की तरफ शिद्दत में कोई कमी नहीं है, तो आगे ऊपर वाला जैसा देखे। सारा के साथ मेरी पहली मुलाकात इस फिल्म से पहले कभी नहीं हुई। काम करने के दौरान मुझे उनको जानने का मौका मिला, और बहुत ही अच्छा लगा काम करके, बहुत ही इन्वॉल्व्ड हर एक सीन में, हर एक डायलॉग में, हर एक शॉट में। यू नो शी इज़ थिंकिंग कि क्या करूं आगे, क्या करूं कि और अच्छा हो, इससे बेहतर हो, तो एक बहुत ही प्रोफेशनल, इन्वॉल्व्ड, और साथ ही बहुत फ्रेंडली, बहुत ही मतलब मजा मस्ती करते हुए। हमारे कुछ रोमांटिक सीन्स थे फिल्म में जो काफ़ी इंटीमेट थे, और ऐसा लगा नहीं कि यू नो दैट आई एम वर्किंग विद अ न्यू कमर, और यू नो शी इज़ वेरी कम्फर्टेबल, वेरी नाइस टू वर्क विद। मुझे लगता है लव में वाकई कोई डिस्काउंट नहीं होता, बिकॉज कोई डील नहीं होती। इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज, इट्स नॉट अ डील, इट्स नॉट अ बार्गेन, इट्स अ वेरी फ्री फ्लोइंग ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर में तो कोई डिस्काउंट होता नहीं है। उसमें खामियां हो सकती हैं, डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट की कोई जगह नहीं है।